हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम देख लेते हैं कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि 1 दिसंबर 2022 है, राइट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है, एक सेकेंड थोड़ा सा वैल्यूम इसका हम बढ़ा लेते हैं। ओके, अब देखिए ये जीडीपी से लेकर के एक डाटा आया हुआ है, तो उसमें इसके डिप को जो है कि लेकर 6.5% मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड में मेंशन किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। चाइना ने मतलब कुछ लेकर के अपनी नाराजगी एक्सप्रेस किया है, कहा कि इंडिया यूएस की जो एक्सरसाइज नियर एलएसी वो कहीं ना कहीं जो कि यूएस और अरे इंडिया और चाइना के रिलेशन को कहीं ना कहीं, क्योंकि ये देखिए ये एक्सरसाइज जिसको युद्ध अभ्यास हम बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है। वो एलएसी के पास जो कि एक्सरसाइज किया गया है, ये एक तरह के मिलिट्री मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एक चाइना के जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, उनकी जो कि अभी डेथ हो गई है, जेंग जेमी जो करके ये रहे हैं, ये एक चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए चुनाव चल रहे हैं, तो आजकल चुनाव से ही पूरे पेपर भरे हुए हैं। देखिए गवर्नर कैबिनेट अलाउ द बिल टू रिमूव गवर्नर अजय चांसलर। देखिए होता क्या कि दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। तो इसमें एक चांसलर होते हैं और एक जो कि वाइस चांसलर होते हैं, और स्टेट में भी ऐसे होते हैं, चांसलर होते हैं फिर वाइस चांसलर होते हैं। जो चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और जो वाइस चांसलर होते हैं डिफरेंट पर्सन होते हैं, जो एमिनेंट प्रोफेसर जैसे लोग होते हैं वो। लेकिन जब हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो गवर्नर होते हैं ना वो जो कि चांसलर होते हैं, और अदर पर्सन लाइक वीसी इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पे एमिनेंट पर्सन जो कि वाइस चांसलर हो जाते हैं। तो उन्हीं को लेकर के ये चीज़ है। जलीकट्टू आप सभी को पता है, ये राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस को लेकर के है, आर्टिकल 29 ये जो आता है उसके अंतर्गत ये आपको पता होना चाहिए कि जलीकट्टू कहाँ होगा। दूसरी चीज़ें देखिए कि केरला के कुछ मैन रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन द फील्ड ऑफ रिड्यूस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये कि कुछ मैन रहे हैं वो मैन प्लस एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि जिसे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि जो एनिमल और मैन जो कि आपस में टकराते हैं उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि एलिफेंट मोस्टली होती हैं वो कट जाती हैं, और या फिर उस तरह के कोई एनिमल होते हैं, तो उनको जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड दिया है। तो हम इसका एक टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता क्या है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैनसमवेयर। एक देखिए ये साइबर आप अटैक बोल सकते हो, एक तरह के एक सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है। ये होता क्या है कि आपका जैसे ये मान लीजिए सिस्टम है, ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन जो कि ट्रांसफ़र किया, और जब ये इसमें एंटर किया जाता है तो आपकी सारी चीज़ें जिसकी फाइल होती है, आपका एक्सेस स्पीड सारी चीज़ें ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करता है या स्पीड जो कि स्लो करता है। और बाद में आपको जब प्रॉब्लम होती है तो वो जब इसको कम करना पड़ता है तो ये क्या करता है ना, आपसे कुछ डिमांड रखता है डिजिटली, मतलब करेंसी डिपॉजिट कैश जो भी है वो डिजिटली डिमांड करता है, फिर उसके बाद आप पे करिए। तो वो अभी हुआ ये है कि जो एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो एम्स है दिल्ली में, वहाँ पे अटैक हुआ है था, और उसमें जो कि 4-5 दिन तक हुआ, और उसमें दो ऑफिशियल को जो कि सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि जब अटैक हुआ तो वो इन्फॉर्म करने में देरी लगाए, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये हमारा जो है कि आप बोलते थे एंशियन इंडियन जो हिस्ट्री है इसके कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस समय देखिए पटना जो बिहार की कैपिटल एट प्रेजेंट टाइम जो कि गंगा के बैंक पे है, उसमें मगधा एक बहुत पावरफुल जो कि स्टेट था, जो कि हम 16 महाजनपदा पढ़ते हैं ना, ऐसे महाजनपदा उनमें से एक था। तो इसका लोकेशन जो प्राइम प्राइम लोकेशन उस समय इम्पोर्टेंट था और आज भी, हालांकि अब उतना वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज नहीं करते, तो लेकिन उस समय होता था वाटर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छे से यूज होता था। तो इसलिए पटना मगधा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन था, कन्नौज था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम इसको लेकर के डिस्कस करेंगे एंशियंट कल्चरल हिस्ट्री को कनेक्ट करके। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए यहाँ पे हुआ क्या कि आप सभी को पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2021
2019 आया था, उसमें ये हुआ 370 आर्टिकल और 35 ई आर्टिकल था, तो जिसको अब्रोगेट कर दिया गया, मतलब ख़त्म करके उसको जम्मू एंड कश्मीर को जो कि दो यूटी में डिवाइड कर दिया गया, दो, एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया, दूसरा जो कि लद्दाख बना दिया गया। तो उसमें अभी फिर कुछ दिन पहले ये हुआ था, कुछ सालों से कि डिलिमिटेशन लिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा था तो कंप्लीट हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जो एक्ट रहे, जो प्रोविजन सेक्शन रहा जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों वो अनचेंज रह गए हैं, ठीक है। तो इसमें पिटीशन डाली गई है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे देखते हैं क्या। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया हुआ है, तो G20 का हमें सभी को पता है कि हम, तो ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आया हुआ है, तो हम इसको एक बिग न्यूज़ में जो कि मिला करके दोनों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए, अभी हुआ क्या कि अब सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ने एक डिपार्टमेंट ने एक जो कि GM क्रॉप उसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाई मस्टर्ड को जो है कि इनोवेट किया था, 2017-18 की बात है ये। तो उसमें कुछ जो था जो जेनेटिक अप्रूवल देती है कमेटी, यहाँ पे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक होती है, उसने अप्रूवल उस समय नहीं दिया, बट अभी हाल ही में कुछ 1 महीने के आसपास जो कि उसने अप्रूवल दे दिया। तो इसका देखिए फॉर्म का DMH11 अधारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, तो इसने परमिशन दे दिया। तो इसमें यही आया हुआ सुप्रीम कोर्ट में कुछ किया गया, तो उसमें अपना कंसर्न इशू किए हैं कुछ पिटीशन डाल करके, ये हुआ कि अगर जो ये अलाउड किया जाता तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना, इन्फ्लुएंस होंगे वो वुमेन जो रूरल एग्रीकल्चर में। अब रीज़न क्या, जैसे मान लिया कि इसमें एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, वो इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें आर्गुमेंट दिया जाए कि जो रूरल वुमेन एग्रीकल्चर में होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो लोग क्रॉप को जो कि सेग्रीगेट करने के लिए जो खरपतवार होते हैं, तो अगर आप उनसे कर लेते हैं ना, तो कई तरह की जो कि उनको प्रॉब्लम, उनको ऐसी आर्गुमेंट मत दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो करेंगे तो हाई प्राइस होगी जो क्रॉप की, वो भी दिक्कत आएगी। मेरा मानना है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि देखिए ये तो होगा ही होगा, लेकिन कैटल जो है हमारे कंट्री में आप समझ सकते हो वर्ल्ड में टॉप में आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये क्रॉप होती है ना, जब क्रॉप ग्रो करती है, तो उसी समय जो इसमें घास या जो ग्रॉस वगैरह इंक्रीज होती है, तो उसका वहाँ का फार्मर जो मैंने स्पेशली वुमेन जो होती है ना, उसको उसकी वहाँ से कटाई उसकी करती हैं और फिर ला करके एज ए फोडर के रूप में यूज करती हैं, ठीक है। तो वो मेच्योर होने से पहले, मतलब कि जैसे ही ग्रो करती हैं, दोनों साथ साथ ग्रोथ करते हैं, जो क्रॉप होती है और जो वीड्स होते हैं, तो उनको साथ में ही करते हैं। और उससे क्या होता है, जो कैटल होते हैं उनको फूड जो है कि अलग से एक कलेक्शन नहीं करना पड़ता है उनके लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी एक होती है ना मिक्स फार्मिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से काम करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम एग्रीकल्चर क्रॉप, मतलब जो क्रॉपिंग और उसके बाद एनिमल दोनों एक साथ अगर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो इसे मान लें कि बाई डिफ़ॉल्ट अगर ये क्या बोलते हैं, क्रॉप अगर किसी वजह से फेल्ड हो जाती है ना, तो इनका एक्ट मतलब डिपेंडेंसी जो क्रॉप और एनिमल पर होती है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड को एनिमल से अपने सर्वाइव कर लें। दूसरी चीज़ होती है, वो ग्रो करते हैं, अगर किसी क्राइसिस पे उनको फाइनेंस की ज़रूरत जब होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने कैटल को बेच देते हैं, कैटल को बेच करके आज आप इंश्योरेंस के रूप में उनको यूज कर लेते हैं, कि अगर है तो हम आप 50,000 की 60,000 की कोई ये काउ है या फिर बफेलो, उसको हम सेल करते फिर अपना कोई बड़ा काम कर लेते हैं फार्मर। अब फार्मर के लिए, अगर स्मॉल फार्मर, तो उसके लिए 50,000 या 1 लाख रुपये बहुत अच्छा अमाउंट होता है, वो अपना ठीक ठाक से काम कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके, ये आर्गूमेंट देना जो एकेडमिशियन होते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है कि हम ये करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर ये अलाउड होता है, अगर GM मस्टर्ड अगर अलाउड होता है ना, तो इंडिया में फर्स्ट क्रॉप होगी जो है कि हम कॉमर्शली फूड क्रॉप जो कि हम कॉमर्शली यूज कर रहे हैं। इससे पहले जो कि ब्रिटी ब्रिंजल है, उसको अलाउड तो नहीं किए हों अभी, लेकिन इसका क्या जल्दबाजी। इसमें मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन को प्रमोटिंग करेगा, मैं नहीं कहता हूँ कि फार्मर को नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देख सकते हो, मैं पोटैटो को ले लीजिए, पोटैटो आपको फार्मर से आप 20 रुपये किलो, मैक्सिमम 30 रुपये किलो आपको मिलेगा पोटैटो, राइट। बट होता क्या, आप एक चिप्स एक एक पोटैटो को लेकर के आप कम से कम 10 ग्राम का अगर आप वो बनाते हो, क्या बोलते हैं कि चिप्स बनाते हो, ठीक है, चिप्स बनाते हो, तो 1 किलो में आपका कम से कम मुझे लगता है 10 एक मीडियम साइज का पोटैटो चलेगा। आप एक आलू को 10 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है,
एक पोटैटो का पीस जो कि आप 10 रुपये, मतलब 100 ग्राम भी नहीं होता है वो, उसका वेट 50 ग्राम से कम ही होता है। मतलब आप 1 किलो में, 1 केजी में आप ऑलमोस्ट जो कि अंकल चिप का 20 पैकेट बनाते हो, और हर पैकेट जो कि आप 20 रुपये के हिसाब से बेचते हो, आप समझ सकते हो कि 200 रुपये के आसपास जो कि आप 1 किलो आलू का भाव बना देते हो। लेकिन इवेंचुअली जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियली क्लास को ही जाता है, फार्मर को मिल नहीं पाता। तो ये मेरा कंसर्न है, इंडिविजुअल मेरा ओपिनियन है। दूसरी चीज़ यह है कि देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका जो कि इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, ग्रेट इंडियन एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी है जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनका रिपोर्ट मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये कहा है कि आप उसका ना जो कि प्रोवाइड करवाइए, जैसे कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो टाइगर हमारा जो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इंडिया में, तो वही रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट, देखेगी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्कीम, क्या वो मतलब उसका आउटकम किस तरह का है। ये हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को लेकर के बिग न्यूज में। दूसरी चीज़ है देखिए कि अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से, और लेथियस्ट हीट मतलब कि ज़्यादा इंडियन लोग इन्फेक्ट होंगे अगर आप इनमें इन्वेस्ट नहीं किए, ये भी कहीं ना कहीं ये बायस बेसिस पे हैं। इनका ये कहना कि आप कहीं ना कहीं जो कि इसको रिड्यूस करिए जो आपका डेवलपमेंट चीज़ें हैं, और एक ग्रीन की तरफ, ये कभी नहीं कहते हैं कि नहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी में जो कि डेवलप कंट्री को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कि कोर सेक्टर, आप सभी को पता है कोर सेक्टर होता है, कोर सेक्टर देखिए कि एट कोर इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है जैसे सीमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, ठीक है, कोल, ये पेट्रोकेमिकल, तो ये 8ों का एक ग्रुप है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये है कि इनका जो है कि ब्रेक 1.01 अक्टूबर में हुआ है, हम देखते हैं इसमें क्या इसका डाटा है, फिर उसके बीच हमने बनाया, फिर भी हम इसको अपडेट करेंगे, राइट। तो ये हमारा हिंदू करा इंडियन एक्सप्रेस में 2 एक आर्टिकल है हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इंडिया में हिस्ट्री में पहली बार, सॉरी थर्ड टाइम, जो कि ऐसा देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट में कि बेंच जो बनाई गई ऑल ऑल वुमेन उसमें है, सभी जो कि वुमेन का एक ग्रुप है उसमें जो कि ये इसे आपसे पूछ सकता क्वेश्चन कि अभी हाल ही में जो कि एक वुमेन ऑल वुमेन की एक कोर्ट बनाई गई, ये इंडिया में पहली बार है, नहीं ये पहली बार नहीं थर्ड टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस समय इलेक्शन के हैं सारी चीज़ें चले। तो हाँ एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे, देखिए शारद कमल को जो है कि खेल रत्न मिला हुआ है, ठीक है, ध्यानचंद खेल रत्न बोला जाता है उसको। देखिए यहाँ पे यही प्राइम मिनिस्टर का जो कि एक आर्टिकल आया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर के, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात देखिए कि एक इंटरव्यू आया हुआ है जो एक सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से हैं, बिलोंग करते हैं, उनका ये कहना है कि हम इंडिया से कंटिन्यूली जो कि हम फर्टिलाइजर को इम्पोर्ट करने की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे, उसमें किसी का वो है ना, क्योंकि वार चल रहा है यूक्रेन और चाइना के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो उसमें काफ़ी जो कि सेंक्शन लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, तो इन्होंने अपना किया। दूसरी चीज़ें यहाँ पे जीडीपी को लेकर के हैं, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, ग्रेट इंडियन बस्टर को लेकर के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम अभी डिस्कस कर किए हैं द हिंदू में, इसको हम बिग न्यूज में करेंगे। देखिए जीरो कोविड पॉलिसी, ये चाइना की एक पॉलिसी है, हालांकि अदर भी है, एंटी प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट हम आर्टिकल में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे, यहाँ पे देखिए 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट, हमने जो कोर सेंटर वाला भी किया है, यहाँ पे पी नोट्स इन्वेस्टमेंट हिट 1 ईयर हाई इन अक्टूबर, सबसे कम रहा है। तो अब सबसे पी का मतलब क्या, पी नोट्स का मतलब ये होता है, एक पी का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटरी नोट, इसमें क्या होता है जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है, ठीक है, इसमें रजिस्टर्ड है, और एक वाई व्यक्ति रहता है, और इससे कहता है कि आप ऐसा ना कि हमारा भी कुछ इन्वेस्टमेंट इससे कर दीजिए, जब ये कह करके इसको कहता है तो इसी को हम पी नोट्स के बोल के रूप में करते हैं, ठीक है। और अब वाई को जरूरी नहीं कि इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह, डीमैट अकाउंट वगैरह जैसी चीज़ें कुछ को ओपन करें, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, डिस्कशन।